हाय, क्या हुआ आज तुम कॉलेज नहीं आई? मैं तो घर पे हूँ। अच्छा, तुम्हें पता है आज साइंस का लेक्चर हुआ है? हाँ हाँ बिल्कुल, ऊपर जा रही हूँ अपने कमरे में। पूरी दुनिया की फिक्र है आपको, लेकिन घर में जो चल रहा है उसकी कोई खबर है? क्या हुआ? वो आपकी बहन अनन्या। अब उसने क्या किया? जब देखू तब फोन पे होती है, कभी कॉल्स कभी चैटिंग, अहो आजकल तो वीडियो कॉल भी चलते रहते हैं उसके। कहना क्या चाहती हो? मुझे लगता है उसका कोई अफेयर चल रहा है, आपको उससे बात करनी चाहिए। नहीं नहीं, अफेयर वगैरह कुछ नहीं रहेगा। अरे वो छोटी बच्ची थोड़ी है, अभी बड़ी है वो सब जानती है, अच्छा क्या है बुरा क्या है। मैं जानता हूँ मेरी बहन को, उसको मैंने आजादी दी, इसका मतलब ये नहीं वो मनमानी करेगी। इतना यकीन है उस पर? मुझ पर, क्योंकि मेरी बहन है वो। खान बोलो। सर, डीसीपी साहब का कॉल था, एक हाई प्रोफाइल केस है। राजपुरोहित कॉलेज के फाउंडर और सोशल वर्कर विश्वजीत पुरोहित 11 दिनों से मिसिंग है। सर, स्टूडेंट प्रोटेस्ट कर रहे हैं और मीडिया भी इन्वॉल्व हो चुकी है। फाइल भेज दो और विश्वजीत पुरोहित के घर के पास मिलते हैं, फैमिली से शुरुआत करते। ओके सर। घर पर अजीब सा माहौल हो गया, घर घर जैसा नहीं लग रहा। नहीं, मैं पता है ये सही वक्त नहीं है, लेकिन कुछ बातें जानना बहुत जरूरी है हमारे लिए। लेकिन ऑफिसर, इससे पहले मेरी बेटी का नॉर्मल होना ज्यादा जरूरी है। पिछले 10 दिनों से उसने ठीक से खाना तक नहीं खाया है। बाबा और सानिया बहुत ज्यादा क्लोज थे, दोनों साथ में खाना खाते थे। इनफैक्ट बाबा उसके ग्रैंडफादर का दोस्त ज्यादा थे। इतनी भूख लगी थी तो पहले खाना खा लेती थी ना, बाद में मेहंदी लगा लेती थी। माँ, भूख का कोई टाइम टेबल थोड़ी ना होता है, अब अचानक से लग गई मैं क्या करूं? तू कुछ मत कर, ये ले खाना खा। दादू, कल मेरी बेस्ट फ्रेंड की शादी है। अच्छा। तो प्रॉपरली रेडी होके तो जाना पड़ेगा ना। तो फिर एक काम करते, तेरी भी हाथ पीले कर देते, फिर देखते तेरी कौन सी ऐसी दोस्त इतना सज धज के आती है। दादू आप कुछ बोलो ना। तू चिंता मत कर बेटा, तेरी शादी तेरी मर्जी से होगी। अब बोलो। बाबा, ये सब ना आपके लाड़ प्यार का नतीजा है जो इसे इतना बिगाड़ रखा है। क्रेडिट कार्ड का बिल पता है आपको? पिछले महीने से कम। देखा, हो गई ना तरक्की, वक्त के साथ साथ जिम्मेदार भी बन जाएगी। क्यों सानिया? उस दिन एग्जैक्ट क्या हुआ था? मतलब विश्वजीत जी शाम को घर से बाहर अकेले गए थे? उस दिन बाबा अंधेरे में सोशल कम्युनिटी फंक्शन में गए थे। वैसे तो वे अकेले ही जाते थे, लेकिन उस शाम सानिया को अपने साथ लेकर गए थे। जो सानिया थी उनके साथ? हाँ। सानिया से बात कर सकते हैं? जी ऑफिसर। हाय सानिया, कैसी हो? देखो, अगर तुम हमारी मदद करोगी तो हम विश्वजीत जी को जल्द से जल्द ढूंढ के निकालेंगे। सच्चे? बिल्कुल, लेकिन उसके लिए तुम्हें हमें बताना होगा कि वो शाम क्या हुआ था। उस दिन फंक्शन में मैं दादू के साथ नहीं गई थी, मेरी बेस्ट फ्रेंड की पार्टी थी और मुझे बस कैसे भी करके घर से बाहर निकलना था। पापा मम्मी अलाउ नहीं करते, तो बस दादू ने मेरी मदद की और मुझे घर से बाहर निकाला। दादू 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 दादू, यू आर दी बेस्ट। अगर आप नहीं होते ना तो विश्व मेरी जान ले लेती। सानिया बेटा, मुझे तुम पर भरोसा है, ये बात हमेशा याद रखना। सिर्फ 2 मिनट लगते हैं भरोसा टूटने में, और भरोसा जीतने में सदियां लग जाती हैं। इसलिए कभी भी कोई ऐसा काम नहीं करना जो तुम्हें नहीं करना चाहिए, ठीक है? दादू, मैं सब कोई काम नहीं करूंगी, बस आप मेरे साथ रहना। जब आप मेरे साथ रहते ना तो मुझे ऐसा लगता कि मैं वंडर वुमन हूँ। मैं कुछ भी कर सकती हूँ। तू कुछ भी कर सकती है, पर चल अब गाड़ी में बैठ, मस्का लगाना बंद कर, लेट हो रहा है तेरे को। चल। कौन कौन होगा वहाँ? कॉलेज फ्रेंड्स। लड़के भी होंगे?
हाँ दादू, आप टेंशन मत लो, मैं संभाल लूंगी। और वैसे भी आपको पता है सब डरते हैं वहां पे मुझसे। क्यों? आपकी पोती जो हूं। पार्टी खत्म होते ही मुझे कॉल कर देना, मैं लेने आ जाऊंगा। ओके बाय दादू, एंड थैंक यू सो मच। अच्छा सुन, फोन साइलेंट मत करना और जल्दी निकलना। हाँ दादू ठीक है, मुझे लेट हो रहा है। बाय बाय। बाय। दादू अभी तक आए क्यों नहीं यार? नंबर भी नहीं लग रहा उनका, क्या करूं मैं? इससे ज्यादा लेट पहुंची ना तो बाबा मुझे मार ही डालेंगे। दादू पिक अप द कॉल प्लीज, पिक अप द कॉल। एक काम करती हूँ, कैब ही बुक कर लेती हूँ। सानिया, घड़ी खराब हो गई थी या गाड़ी? मैंने आपको बताया था ना, लेकिन नहीं हो पाएगा तुमसे, ज्यादा की कोशिश मत करो। पापा कहाँ है? दादू आए नहीं अब तक। सानिया बाबा तुम्हारे साथ में ही थे ना, तो तुम्हारे पहले कैसे आएंगे? सानिया कहाँ है दादू, और फंक्शन कितने बजे खत्म हुआ? सानिया बोलो। आई एम सॉरी, आई मैंने झूठ कहा। झूठ? वो मेरी दोस्त की पार्टी थी और दादू ने मुझे घर से निकलने में हेल्प की थी। क्या? अरे आई एम सॉरी बाबा, लेकिन पार्टी के बाद वो मुझे लेने आने वाले थे पर वो आए ही नहीं, इसलिए मैं टैक्सी करके आ गई। रात के 2 बज रहे हैं और बाबा इस वक्त कभी बाहर नहीं रहते। मुझे ऐसा लग रहा है कि हमें पुलिस को इन्फॉर्म करना चाहिए। पुलिस? आई मुझे डर लग रहा है। तुम तो चुप ही रहो, आप प्लीज पुलिस को इन्फॉर्म करो ना। शांत हो जाओ, मुझे लगता है कि हमें सुबह तक वेट करना चाहिए, शायद बाबा किसी दोस्त के घर गए। मेरी गलती है, अगर मैं बाहर नहीं गई होती तो सब कुछ होता ही नहीं। अंकल दादू ठीक तो होंगे ना? हाँ बिल्कुल बिल्कुल बेटा, फिक्र मत करो, हम उनको ढूंढ के निकालेंगे। आनंद जी, विश्वजीत जी की किसी के साथ दुश्मनी अनबन कुछ चल रही थी? मेरे बाबा सिर्फ राजपुरोहित कॉलेज के फाउंडर ही नहीं बल्कि एक सच्चे सोशल वर्कर थे। लोग उनसे प्यार करते हैं, इतना रिस्पेक्ट करते हैं, भला उनसे कोई कैसे नफरत कर सकता है सर? हर वजह हर एक को पता हो ये जरूरी नहीं। आनंद जी पूछे गए सवालों का जवाब दीजिए, आप सवाल मत पूछिए। हम आपकी भावना को समझ सकते हैं आनंद जी, लेकिन हमें विश्वजीत जी को ढूंढना है, इसलिए सवाल पूछना बहुत जरूरी है। हम आपकी पूरी मदद करेंगे सर, आप बस मेरे बाबा को ढूंढ लीजिए सर। आप अगर हमें मदद करेंगे तो हम उनको जरूर ढूंढ। क्या हुआ, सब ठीक है ना? सब ठीक है बिल्कुल। ठीक है आनंद जी। जी सर। चलो सर, ये आनंद मुझे गड़बड़ लग रहा है। मुझे भी हर्षा, लेकिन हमारे पास कुछ सबूत नहीं उनके खिलाफ और बड़े लोग हैं। एक काम करो हर्षा, एक केस जिस पुलिस स्टेशन में रजिस्टर हुआ है वहां से फाइल मंगवा लो। जी सर। हाँ बैठो।
गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। ओ साइबर बाबू, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। चलो बोलो कहानी सुना। सर लोकल पुलिस स्टेशन से जो फाइल मिली है उसके मुताबिक विश्वजीत जी शाम को 7:45 बजे घर से निकले। लगभग 8:15 बजे वो सानिया को अपने फ्रेंड के यहाँ ड्रॉप करने गए। फिर 8:35 को वो कम्युनिटी हॉल के लिए निकले। वहाँ वो 40 से 50 मिनट रुके और फिर अपने दोस्तों को मिलने सनफ्लावर क्लब गए। कहाँ? सनफ्लावर क्लब। ठीक 10:10 बजे वो वहाँ पहुंचे और वहाँ से वो 11:50 को निकले। सर उसके बाद विश्वजीत जी को लोखंड वाला जाना था सानिया को पिक करने, जहाँ सानिया उनका इंतजार कर रही थी, लेकिन उन्होंने रूट लिया आरए फॉरेस्ट का और 12:30 बजे तक उनका मोबाइल का लोकेशन आरए फॉरेस्ट दिखा रहा था, उसके बाद स्विच ऑफ हो गया। सर मुझे लगता है किडनैपिंग का केस है। जैसे ही विश्वजीत जी होटल से बाहर निकले उन्हें किसी ने किडनैप किया, आरए रोड तक लेके गए, फोन स्विच ऑफ किया और फेंक दिया। सिंपल। नहीं खान, हर कहानी इतनी सरल नहीं होती, सिंपल। हर केस डिफरेंट होता है। सर उनकी लास्ट कॉल लोकेशन का पूरा एरिया वहाँ के पुलिस स्टेशन ने सर्च किया था मगर उनको कोई क्लू नहीं मिला। और कुछ नहीं सर, अभी तक तो इतना ही। तो चलो घास में सुई ढूंढने निकलते हैं फिर से। फिर से शुरू से शुरुआत तो करनी ही होगी खान। दो टीम बनाओ, तुम लोग जाओ जंगल, लेकिन ध्यान रखो जंगल जानवरों का घर होता है, शांतपण करो ना का जास्त का इधर। यस सर। श्योर सर। श्योर क्या श्योर? तुम मेरे साथ आओगे सनफ्लावर क्लब। चलो सर, मैं हेल्प यू। सुनील केलकर, एसआईटी ऑफिसर। विश्वजीत पुरोहित को जानते हैं आप? विश्वजीत पुरोहित? सर वो तो हमारे प्रीमियम कस्टमर है, हमेशा अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ में आते रहते हैं। इनफैक्ट हर सैटरडे को उनके लिए एक वीआईपी रूम ही बुक रहता है यहाँ पे। रूम किस लिए बुक होता था? सर पार्टी वगैरह करने के लिए दोस्तों के साथ। ये जो पार्टी और मीटिंग के लिए आते थे उनका रिकॉर्ड रखते हो? नहीं सर, गेस्ट के साथ में कौन आता है ये मुझसे कैसे पूछ सकते हैं? और कोई भी आके जो बॉम्ब रख के जाएगा चलेगा क्या तुझे? खान क्या? अरे क्या सर, ये विश्वजीत पुरोहित 15 दिन से गायब है, पता होगा आपको। जी। तो 11 फरवरी को गायब हो गए, उस दिन का सीसीटीवी फुटेज है। एक मिनट, ये लीजिए। देखो खान, विश्वजीत जी को छोड़कर सारे गेस्ट चले गए। ये लड़की कौन है? सर इस लड़की को मैंने पहली बार देखा, ये विश्वजीत जी से मिली और उसके बाद ही क्लब से बाहर निकली उनके साथ। देखा सर, मैंने कहा था ना ये रिकॉर्ड्स रखते। तो हाँ, सीसीटीवी फुटेज कलेक्ट करो और ये लड़की इसका पोस्टर बनवा, ये यहाँ आए इन्फॉर्म कर देना। जी श्योर। प्राइवेट कंपनी वाले ना डेवलपमेंट के नाम पे हमसे सस्ते कौड़ियों के भाव में जमीन खरीद लेते हैं और या फिर डरा धमका के हमसे हासिल कर लेते हैं। पर आपको पता है इनकी हिम्मत इतनी क्यों बढ़ गई है? क्योंकि हम आवाज नहीं उठाते, हम चुप है। इसका मतलब ये नहीं कि हम डर गए हैं। और इन्हें ये नहीं पता कि एक अंधेरा दूर करने के लिए एक माचिस की तिली ही काफी है। मैं आप सबसे वादा करती हूँ कि आपके हक की जमीन आपको दिला के रहूंगी। धन्यवाद सुमन जी। अच्छा हाँ क्षितिज, एडवोकेट सुमन से कहो कि मुझसे आके मिले और इस कंपनी की फाइल रेडी करो। ओके जी मैम। या हाय, माय नेम इज जेनी, मुझे मिस्टर क्षितिज से मिलना था। तुम यहाँ क्या कर रही हो? जैसे तुम्हें नहीं पता एक लड़की एक लड़के के लिए इतना पागल क्यों होती है? जब हमारी सोशल मीडिया पे पहली बार बात हुई थी तभी मैंने तुम्हें बताया था कि मेरी एक गर्लफ्रेंड है, लेकिन तुमने माना नहीं। अब
अगले महीने हमारी मंगनी होने वाली है, तो प्लीज प्लीज जाओ यहाँ से। आई बेग ऑफ यू। इवन आई बेग यू क्षितिज, जस्ट गिव मी अ चांस। देखो मुझे, लुक एट मी, क्या कमी है मुझ में? मैं उससे बहुत बेहतर हूँ क्षितिज, मैं ये बात प्रूव करके रहूंगी। क्षितिज जस्ट गिव मी अ चांस प्लीज। यहाँ से चली जाओ, अगर मम्मी ने कुछ देखा या सुन लिया बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। मुझे बुरा बनने पर मजबूर मत करो। ये सोशल वर्कर रात को 11:50 ये टाइम पे 25 साल के लड़की के साथ क्या कर रहा था? हो ना हो, इस लड़की का इस केस से कनेक्शन जरूर है। सर ऐसा भी तो हो सकता है कि इस लड़की ने विश्वजीत जी से लिफ्ट मांगी हो और सामने आरे का जंगल देखकर चोरी करके भाग गई हो। नहीं संग्राम, विश्वजीत जी अपने दोस्तों को एक साथ मिलते थे, लेकिन इस लड़की को उसके बाद मिले अकेले में, और वो भी इतनी मॉडर्न। दाल में कुछ तो काला है। सर यह पूरी दाल ही काली है, इधर शादी के लिए लड़की नहीं मिल रही मेरे को, और ये बुड्ढे को देखो सर। सर इट हर्ट्स। भावनाओं को जरा काबू में रखो, मैं तुम्हारी सिचुएशन और टेंशन दोनों समझ सकता हूँ। अभी लड़की सामने इसलिए कुछ नहीं बोल रहा हूँ, कंट्रोल योर सेल्फ। सॉरी सर। मिलेगी मिलेगी, सबर का फल बहुत बड़ा होता है। सर अब इतने दिनों से विश्वजीत जी की कोई खबर नहीं, ना कोई रैंसम का कॉल, मुझे तो लगता है सर चोरी होगी। सर ये एरिया में चोर उचक के घूमते ही रहते हैं। नहीं खाने, चोरी का मामला नहीं हो सकता है। अगर चोरी होती तो कार और विश्वजीत दोनों गायब नहीं होते। फिर मर्डर हो सकता है, विश्वजीत जी को कोई मारना चाहता हो। ये लड़की इस प्लान का हिस्सा हो ना हो, लेकिन इसे हमें गुमराह करने के लिए प्लान किया गया होगा। ऐसा हो सकता है सर, मेरा सिक्स सेंस कह रहा है। तुम्हें एक वीडियो भेजा था मैंने, वो लड़की मिली क्या? जी मैंने देखा, पर थोड़ा वक्त लगेगा। क्या है कि वीडियो की क्वालिटी थोड़ी। अरे वीडियो की क्वालिटी अच्छी होती तो तुझे क्यों बुलाते यहाँ? थोड़ा वक्त लगेगा, ये एक ही लाइन रट के रखी है तूने, दूसरी लाइन याद कर जरा, इससे भी आगे जिंदगी है। सर आई विल ट्राई माय बेस्ट सर। प्लीज सर प्लीज ट्राई कीजिए। सेम लाइन अंग्रेजी में बोल दी बस इसने। खान एक काम करो, सारे टोल नाका की सीसीटीवी फुटेज कलेक्ट करो। देखो फोन बंद होने के बाद विश्वजीत शहर छोड़ के बाहर तो नहीं गया, पर हमें अटका दिया आरे के जंगल में। ये सब प्लानिंग है खान, एवरीथिंग इज प्लान्ड। मुनीर मुझे तो सभी लड़की बहुत पसंद है, तू देख ले तुझे कौन सी लड़की पसंद है। आखिर शादी तो तुझे करनी है, क्यों? ये वाली हाय माशाल्लाह, बिल्कुल ईद का चांद लग रही है ये तो। हाँ देखो जी आपा। दाद देती हूँ तेरे नजर की। हाँ जल्दी से इसके परिवार वाले के साथ बात कर लेती हूँ, निकाह की तारीख जो तय करनी है। हाँ अस्सलाम वालेकुम आपा। वालेकुम अस्सलाम। पुणे से आपसे कोई मिलना है? बिना बताए। मुनीर अंदर जाओ। जाओ, जी आपा। जितना हमने सुना था उससे भी ज्यादा खूबसूरत हो तुम हैं मुनीर, तुम पर अल्लाह की इतनी रहमत है ये तो हमें पता ही नहीं था। भाईजान इसी महीने के अंदर इन दोनों का निकाह करवाना होगा। मेरा भाई मुनीम दुबई में गोल्ड माइन में काम करता है, वो यहाँ तो ये छुट्टी के लिए आया था। अब देखो एक बार अगर निकाह हो जाए फिर ये दोनों हंसी खुशी दुबई जाकर रह सकता है। ये तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन एक बात आपसे करनी थी। वैसे हमारी हालत आपसे कुछ छुपी नहीं है, अगर आपकी कोई ख्वाहिश या कुछ। भाईजान
हम आपसे आपका चांद का टुकड़ा लेकर जा रहे हैं और इनके बदले में अगर आपको किसी भी चीज की जरूरत हो, ख्वाहिश हो, तो हमें जरूर बताइएगा, हम पूरी जरूर करेंगे। ये आप कैसी बात कर रही हैं भाईजान? ये कुछ पैसे आपकी बेटी के निकाह के लिए। इसकी कोई जरूरत नहीं है, मैं कर लूंगा। भाई जान आप रख लीजिए, वैसे मुनीर ने कहा है आपको देने के लिए, कहाँ कर्जा लेके आप बेटी का निकाह कराओगे? हाँ लीजिए, रख लीजिए। और एक बात भाई जान, निकाह में जितने कम लोग हो उतने ही बेहतर है। जितना पैसा हम निकाह में खर्चा करने वाले हैं उतना पैसा हम इन दोनों को दे देंगे। किस तरह मैं आपका शुक्रिया अदा करूँ, आपने तो हर मुश्किलों का हल निकाल दिया। फातिमा आपा, जितना वक्त हो सके अपनी बेटी के साथ अभी बिता लीजिए। एक बार दुबई चली गई तो देखने के लिए आप तरस जाओगे, है कि नहीं? सर, सर ये देखिए, ये देखिए सर, उस रात जो लड़की विश्वजीत जी के साथ थी वही सेम लड़की जोनीता बेदी के नाम से सोशल मीडिया पर एक्टिव है। और क्या मिला? फोटो अपलोड करते वक्त लोकेशन भी अपलोड की है, अमृत विहार अंधेरी वेस्ट। अमृत गणेश बाबू, संग्राम सर, अमृत विहार अंधेरी वेस्ट, जोनीता बेदी नाम है, लेके आओ उसको। ऑलराइट सर, चलो। ओ साइबर बाबू, इनके सोशल मीडिया एक्टिविटी पे ध्यान दो प्लीज, टाइम लगेगा ऐसा मत बोलो। सोया थोड़ी नादान है, अगर कुछ गलती हो जाए तो उसे माफ कर देना। बिल्कुल बेफिक्र रहिए, मैं वादा करता हूँ कि मैं जोया को एकदम खुश रखूंगा, जिसकी वो हकदार है उससे ज्यादा उसे खुशी दूंगा। ओ ओ एक एक, एक। ये लड़की को कहीं देखा आपने? इसे देखा तो है पर याद नहीं आ रहा। बट ये सुनो, हाँ लड़की को देखा है कहीं? आप कौन? मुंबई पुलिस से हूँ, ये लड़की को देखा है कहीं आपने? हाँ सर, ऊपर देखा है या? हाँ लेकिन आजकल नजर नहीं आती है। अच्छा, थैंक यू। लड़की आ रहती थी? हाँ रहती थी, लेकिन एक महीना पहले छोड़ के गई। अब कहाँ रहती है पता है? नहीं पता नहीं है। हाय सर, सर वो लड़की यही रहती थी लेकिन पिछले महीने घर छोड़ दिया उसने। यहाँ खड़े खड़े शर्मा क्यों रहा है? जाना अंदर। हाँ बस जा ही रहा था। अंदर जाके आपा मत खो देना, मालूम है ना तुझे क्या करना है, या फिर याद दिलाऊं? हाँ आपा मालूम है या? हाँ। घर कैसा लगा? जी अच्छा है। अच्छा है। दीवारों का रंग थोड़ा फीका है ना, पर कोई नहीं, अब आप आ गई हैं ना तो सब रंगीन हो जाएगा। लेकिन ये भी अच्छा है। ये भी अच्छा है। ये पर्दे ना आपके पसंद के लगवा लेंगे। ये भी तो अच्छे ही है।
ये भी अच्छे हैं, सब अच्छा है, हम भी पसंद है जी। अरे पर आप हंस क्यों नहीं रही हैं? घर की बहुत याद आ रही है। आपको पता है मैं जब भी उदास होता हूं ना तो फालूदा खाता हूं, आप ही खाएंगी फालूदा जी? हाँ तो तू क्यों बात कर रहा है, उसको फोन दे। क्या हुआ उन्हें? क्या हुआ? मैं और जोया फालूदा खाने गए थे, अब्बा गाली आई दो तीन लोग निकले और जोया को ले गया, अब्बा मैं कुछ नहीं कर पाया, अब्बा कुछ कर रहा हूँ। मुनीर शांत हो जाओ, सर ये लड़की सही तो नहीं है, कौन हर महीने अपना घर बदलता है, इसके डॉक्यूमेंट्स फेक होना यानी कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। सर क्या सोच रहे? खान मुझे अभी भी लग रहा है ये लड़की को हमें गुमराह करने के लिए प्लान किया गया है। देखो ना ये विश्वजीत पुरोहित सोशल वर्कर फाउंडर ऑफ कॉलेज रोल मॉडल अचानक से गायब हो जाता है, फिर वो एक लड़की के साथ मिलता है, कनेक्शन कुछ अजीब नहीं लग रहा है? नहीं सर मैंने पता लगाया, इज अ क्लीन मैन, और प्रोफेशनल लाइफ में इसके कोई दुश्मन हो ऐसे आसार तो नहीं है। पर्सनल लाइफ में मतलब बाहर कोई दुश्मन नहीं, घर में हो सकता है, उसके दो बेटे, एक आनंद उसके साथ रहता है और दूसरा विदेश में रहता है, ये दोनों लड़कों के बैकग्राउंड चेक करो, कहीं ऐसा ना हो बगल में छोरा गाँव में ढिंडोरा। सर विश्वजीत जी का फोन एक्टिव हुआ है, आर्य फॉरेस्ट रोड, संग्राम को लोकेशन भेज दो। सर आगे से राइट। ओके सर थोड़ा आगे पहला लेफ्ट सर। संग्राम सर हाँ गाड़ी रोक दीजिए। अरे साइबर सीधा सीधा लोकेशन बताना क्यों घुमा रहा है? 15 मीटर के रेडियस में ही है सर। सर हाँ उनको बोलिए उस नंबर पे फोन करने के लिए। हाँ साइबर सुन डायल कर नंबर। किधर मिला तेरे को? रास्ते पे पड़ा था इसलिए मैंने चालू किया। मैं कल बेचने वाला था साहब, माँ का साहब मैंने चोरी नहीं की साहब। ये इधर कोई सफेद कार देखी तूने जाते हुए? नहीं नहीं साहब। अगली बार सड़क पे पड़ी हुई चीज उठाने से पहले ये बात याद रखना, समझा ना? बेवकूफ है सतीश जो इतनी खूबसूरत और प्यारी लड़की को मना कर रहा है, उसकी जगह मैं होता तो मैं तुम्हें कहीं जाने ही नहीं देता। जो तुम्हारी कदर नहीं करे ना तो उसके लिए आंसू नहीं बहाना चाहिए, और जो कदर करे ना उसके बारे में सोचना चाहिए। प्यार करती हूँ उससे, अब भूल तो नहीं सकती। तो तुम उसे भुला नहीं सकती? मरते दम तक नहीं। ठीक है परसों ब्लू स्टार क्लब में एक पार्टी है तो तू वहां आ जाना, मैं वहीं शितिज से बात करूंगा, लेकिन तुम मेरी डेट रहोगी। डन डन। ए साइबर इसमें का डाटा रिकवर कर देना 24 घंटे के अंदर। yes, थोड़ा वक्त लगेगा ऐसा अगर बोला तो, बिना वक्त काटे घर शिफ्ट हो जाना परमानेंट। नहीं सर हो जाएगा। काम पे लग। सर ये टोल्स और हाईवे एग्जिट्स की रिपोर्ट निकाली है मैंने। सर विश्वजीत की कार मुलुंड चेकनाका, आयरोली चेकनाका और वाशी टोल पे नहीं दिखाई दी, लेकिन उनकी कार धईसर टोल नाका और खारगर में दिखाई दी।
इसका मतलब वो आरे से ठाणे होकर पनवेल के लिए निकले। लेकिन एक्सप्रेस हाईवे के खालापुर टोल नाके पे उनकी कार नहीं दिखाई दी। इसका मतलब जो कुछ भी हुआ वो पनवेल से लेके खालापुर के बीच में हुआ है। एक काम करो, खालापुर और दहिसर टोल नाका की फुटेज मंगवाई। हाँ सर, ये देखिए। ये ड्राइवर सीट पे कोई लड़का दिख रहा है, ये विश्वजीत जी नहीं है। इस लड़के को ढूंढो, ये केस सॉल्व करने में हमारी मदद करेगा। खान, तुम संग्राम को लेके वहां जाओ, तुम खुद सर्च में इन्वॉल्व रहना ताकि कोई एविडेंस टेम्पर ना हो। सर, सर डेटा रिकवर हो गया सर। देखा, जॉब जाने का डर इंसान को काम करवाता है। क्या मिला? सर इसमें कॉलेज के कुछ पेपर्स है और ये एक फोल्डर है सर। क्या आदमी है ये, 20-22 साल की लड़कियां होंगी। मुझे तो शक हो ही रहा था जब ये विश्वजीत जी को जोनिता बेदी के साथ देखा था। ये लड़की कौन है? खान, इसका फोटो सर्कुलेट कर दो, ये लड़की केस सॉल्व करने में हमारी मदद करेगी। यस सर। सब लोग ध्यान से सुनो, व्हाइट कलर के अकॉर्ड है, MH01455। कारगर टोल नाका भी दिखाई दी लेकिन एक्सप्रेस हाईवे के खालापुर टोल नाके पे नहीं दिखाई दी, मतलब इसी एरिया में है। ढूंढो। ओके सर। सर आप मुझे कार के फोटोज भेज दो, मैं उसे अपने खबरी नेटवर्क में भेज दूंगा, उसे हमें ढूंढने में आसानी होगी। बस एक बात ध्यान रखना, केस कॉन्फिडेंशियल है। पीछे मत देखो, कोई नहीं है पीछे, अब सिर्फ हम हैं, कोई हम तक नहीं पहुंच सकता। पक्का? चीतू का प्रॉमिस है, कभी फेल नहीं हुआ। ये विश्वजीत जी के मोबाइल में कुछ फोटोग्राफ्स मिले, जानते ही नहीं। नहीं, इन्हें तो मैंने पहले कभी नहीं देखा। देखिए। नहीं सर। 100%? ठीक है। आनंद जी कुछ बात करनी है आपसे पर्सनल। जी जरूर कहिए। जी कहिए। और कुछ फोटोग्राफ्स हैं, ये देखिए। ये कैसी तस्वीर है? ये सब झूठ है सर। ये तो विश्वजीत जी का मोबाइल है। ऑफिसर, इन फोटोज को लीक मत कीजिएगा, प्रेस्टीज का सवाल है। बाबा अभी भी लोगों की नजर में देवता ही है सर। जो ये सफेद गाड़ी ढूंढेगा उसे 5,000 रुपया मिलेगा। बता देता हूं अपने पंटर लोग को, कमा लेंगे। माँ, माँ। ओ आले आले। अरे जीतू, तू कैसा है? ठीक है ठीक है। ये कौन है? माँ इसका नाम प्रिया है, मैं इससे बहुत प्यार करता हूँ और हाँ हमने शादी भी कर ली है। अच्छा, अब बेटा तो मुझे बोल देता ना, मैं इसके घर वालों से बात करती। माँ ये अनाथ है। पर अब ये अनाथ नहीं है, है ना? अब इसकी माँ भी मैं हूँ
और सास भी। अच्छा तुम दोनों यहीं रुकना, मैं अभी आती। माँ के घर आई है ना तू, तो अब रोना बिल्कुल नहीं है। अगर मैं सास बन गई ना तो बहुत गुस्सा करूंगी। चल आत्मदे आती चल। अरे चल पुलिस। आपने फोन किया था? जी सर। सर मैं इधर गांव जा रहा था पैदल, तो मुझे ये गाड़ी दिखी, मुझे डाउट हुआ, तो फिर मेरे पास जो मैसेज आया था मैंने उसमें चेक किया नंबर, तो नंबर मैच हो रहा था इसलिए मैंने आपको कॉल किया। ये ले। थैंक यू। सुनो फॉरेंसिक वालों को बुला, कार की जांच करवा लो और पुलिस टीम लेकर आसपास का एरिया छान लो, शायद विश्वजीत यही कहीं हो सकते हैं। ओके सर। एरिया सर्च कर लो पूरा। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.